हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इट इज़ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करके दिखाई थी, अब मैं एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करके दिखाऊंगी। ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें स्टेटमेंट वाले सम हैं। पहले हमें स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने होगे, समझने होगी, उसके बाद हमें सॉल्यूशन करना होगा। तो आप क्वेश्चन देखिए ज़रा स्टार्टिंग से। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन एक स्कूल में 4 दिन तक चला। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। इसमें हमें 4 दिनों की टिकट्स की संख्या दी गई है कि इतने इतने टिकट्स बिके हैं 4 दिन में। तो अब आपको बताना है कि टोटल टिकट्स कितने सोल्ड हुए हैं 4 दिन के अंदर, तो इन्हें हमें प्लस करना होगा। देखिए कैसे। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 1094, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे 1812, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे 2050, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे 2751। तो अब हम इन चारों को प्लस करके पता लगाएंगे कि टोटल सेल्स 4 दिन की कितनी है। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन 4 डेज, इन चारों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7707। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन द टेस्ट मैचेस। ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन्स, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। इसमें बोला है कि शेखर एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसकी इच्छा है कि उसके रन 10,000 बने, लेकिन अभी तक उसने 6980 रन्स बनाए हैं। तो बताइए उसको कितने रन्स की नीड अभी और है, कितने रन्स की ज़रूरत और है। तो इसको हम माइनस करेंगे। नंबर ऑफ रन्स शेखर विशेज टू स्कोर 10,000, नंबर ऑफ रन्स ही हैड स्कोर्ड 6980, नंबर ऑफ रन्स ही नीड, उसको कितने रन्स की नीड और है, इनको हम माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने रन्स उसको अभी अपनी विश कंप्लीट करने के लिए अभी और बनाने होंगे। 3020 इसको माइनस करना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 348700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। एक चुनाव में एक कैंडिडेट जीता है जिसको 577500 वोट्स मिले हैं, और उसके प्रतिद्वंदी, राइवल होता है प्रतिद्वंदी, जो उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो उसके राइवल को मिले हैं 348700 वोट्स। अब बताइए कि जो भी जीता है कैंडिडेट वो कितने वोटों से जीता है, कितने वोट्स का मार्जिन है, तो इसको हमें माइनस करना होगा। इन इलेक्शन सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट वोट्स 577500, नंबर ऑफ वोट्स हिज राइवल गॉट, उसके राइवल को कितने वोट्स मिले हैं 348700, मार्जिन कैसे निकलेगा, मार्जिन निकालने के लिए हमें माइनस करना होगा। मार्जिन बाय विच सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन, दोनों को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों के वोट्स जो उन्होंने लिए हैं उनका डिफरेंस कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹285891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के पहले हफ्ते में इतने रुपीज़ की बुक सोल्ड की हैं, आगे क्या लिखा है, एंड बुक्स वर्थ ₹400768 इन द सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में इतने रुपीज़ की बुक सोल्ड करी हैं, बताइए हाउ मच वॉज द सेल ऑफ द 2 वीक्स टुगेदर। दोनों वीक्स की टोटल सेल्स बतानी है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है। इसमें 2 क्वेश्चन अटैच्ड है। पहले क्वेश्चन में तो इसने पूछा था कि दोनों वीक्स की सेल कितनी है, तो पहले हमें दोनों सेल्स को ऐड करना होगा। देखिए कैसे। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय कीर्ति स्टोर इन फर्स्ट वीक, पहले वीक में कितनी बुक सोल्ड किए उन्होंने वो हमने लिख ली। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय कीर्ति स्टोर इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में कितनी बुक उन्होंने सोल्ड किए वो हमने लिख ली। टोटल सेल्स ऑफ 2 वीक्स दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमें गेट हो गया। फिर एक क्वेश्चन इसमें और भी जुड़ा हुआ था कि कौन से वीक में सेल ज़्यादा थी और कितनी ज़्यादा थी। देखो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये वाली सेल सेकेंड वीक की सेल फर्स्ट वीक के कंपैरेटिवली ज़्यादा है,
बट ये बताने कि कितने ज़्यादा है, तो दोनों को अब हमें माइनस करना होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सेकेंड वीक में सेल कितनी ज़्यादा हुई है। सेल वॉज ग्रेटर इन सेकेंड वीक बाय, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आंसर आएगा 114877। ये वो वाली सेल आ गई जो इनका मार्जिन है, जितनी ज़्यादा वो हुई है सेकेंड वीक में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। यहाँ पर आपको डिजिट्स दिए हुए हैं 5, 6, 2, 7, 4 एंड 3। आपने एक डिजिट का एक ही बार इस्तेमाल करना है और इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, फिर लीस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट होता है सबसे बड़ा, लीस्ट होता है सबसे छोटा, फिर उन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, अंतर बताना है। तो हम कैसे बनाएंगे जरा एक बार देखिए इसको। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो हमें डिजिट्स दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए सबसे बड़ा 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। और लीस्ट नंबर बनाने के लिए हमें छोटा डिजिट सबसे पहले लिखना होगा, 2, 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। हम लीस्ट नंबर हमने बनाया है 2, 3, 4, 6, 7। इसमें हमने छोटे डिजिट का पहले यूज़ किया है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इनका डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को हम माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो डिजिट्स हमें दे रखी थी उन्हीं में से हमने डिजिट्स यूज़ करी है और एक डिजिट का एक ही बार यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर हमने बनाए, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे, हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। एक मशीन एक दिन में 2825 पेज बनाती है, बताइए कि जनवरी के महीने में वो टोटल कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी, कितने पेज बनाएगी। देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जनवरी के महीने में 31 डेज होते हैं, यहाँ हमें एक दिन का मैन्युफैक्चरिंग दे रखी है और 31 डेज की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे होगा ये, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे एक बाय मशीन, एक दिन में कितना स्क्रूज बनाती है 2825, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 31 डेज, 31 डेज में कितने बनाएगी, 31 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आपको मिल जाएगा कि इतने स्क्रूज वो जनवरी के मंथ में बनाएगी, टोटल आ जाएगा आपके पास। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, अ मर्चेंट हैड रुपीज 78592 विद हर, एक व्यापारी के पास में ये रुपये थे, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स और एट रुपीज 1200 ईच। उसने एक ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर दिया कि 40 रेडियो सेट्स चाहिए उसको और एक सेट है उसका 1200 रुपीज़ का, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। वो कह रहा है कि परचेज के बाद में, ख़रीदारी करने के बाद में उसके पास में कितना पैसा बचेगा, कितने रुपए बचेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके पास रुपए कितने थे, फिर पता होना चाहिए कि जो उसने रेडियो सेट्स खरीदे थे उनकी कॉस्ट कितनी थी, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि उसके पास कितने रुपए अब बाकी बचे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे किया हमने सॉल्व, मनी दैट मर्चेंट हैड, उसके पास रुपए थे लिख दिया हमने, कॉस्ट ऑफ रेडियोज बॉट बाय हर, रेडियोज़ उसने कितने के खरीदे, देखिए 40 रेडियो सेट्स थे और एक रेडियो सेट की वैल्यू थी 1200 रुपीज़, तो हमने पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया साइड में, जिससे हमें पता चल गया कि 48,000 के टोटल रेडियो सेट्स वो थे। अब हम क्या करेंगे, जितनी मनी उसके पास टोटल पहले थी उसमें से जितने के रेडियो सेट्स उसने खरीदे हैं उसको हम माइनस कर देंगे, मनी शी विल हैव आफ्टर परचेज, अब उसके पास कितने रुपये बचे, 30592 रुपीज़। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में आपको दे रखा है कि आई स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाय 65, एक बच्चे ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, मल्टीप्लाई करना था 56 से और उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। अब उसने क्वेश्चन में हमें पूछा है हमसे कि उसका जो आंसर आएगा वो कितना ज़्यादा आएगा, मल्टीप्लाई तो करना था 56 से और उसने नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, अब जो आंसर में डिफरेंस होगा वो कितना ज़्यादा होगा। अब देखिए कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, फिर 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से,
तो मल्टीप्लाई करके ये हमें मिलेगा। फिर दोनों का डिफरेंस क्या, आंसर कितना ज़्यादा होगा ये बताना था ना। तो दोनों हमने जो मल्टीप्लाई करे हैं दोनों को हमें माइनस कर देना है। हमें पता चल गया कि उसके आंसर का डिफरेंस 65124 होगा, इतना आंसर ज़्यादा आया होगा क्योंकि उसने गलत मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। उसने पूछा है कि एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत है और टोटल कपड़े की लेंथ है 40 मीटर, तो बताइए कितनी शर्ट्स बन जाएंगी उसमें से और कितना कपड़ा बाकी रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके अंदर यूनिट्स पे ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए यहाँ पर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर में आपको यूनिट दी गई है टोटल लेंथ में, तो दोनों यूनिट सेम होगी तभी हमारा काम बन पाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एक बार ज़रा ध्यान से देखिए। द क्लॉथ इज़ नीडिड फॉर वन शर्ट, एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हमने पहले 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 मीटर बन गया। और 15 सेंटीमीटर को हमने मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही 15 सेंटीमीटर है, तो इसको ऐड कर देंगे तो 215 सेंटीमीटर ये बन जाएगा। फिर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, कपड़े की टोटल लंबाई कितनी थी 40 मीटर, इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों यूनिट सेम हो गई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे आगे देखिए, अब हम टोटल कपड़े की जितनी लेंथ थी उसको वन शर्ट के लिए जितना कपड़ा रिक्वायर्ड था उससे डिवाइड कर देंगे। 215 को बाहर रखेंगे और 40,000 को अंदर, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18। तो अब ये आंसर आया है कि 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन लेफ्ट। इसमें बेटा 18 शर्ट्स आपकी सिली जाएंगी और जो रिमाइंडर बचा है 130 सेंटीमीटर, इतना कपड़ा उसका शर्ट सिलने के बाद में बच जाएगा। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में आपको मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। उसने बोला है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, कि बॉक्सेस में मेडिसिन पैक होती है और एक का वेट है आपका 4 kg 500 ग्राम, एक बॉक्स का आपको वेट दे रखा है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, वैन के अंदर कितने बॉक्सेस आ सकते हैं विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। वो जो वैन है ना वो 800 kg से ज़्यादा वजन कैरी नहीं कर सकती, तो आप इतने वेट के कितने उसके अंदर बॉक्सेस आप लोड कर सकते हो, कितने बॉक्सेस उसके अंदर आ जाएंगे। तो हम देखो यहाँ पर भी यही दिक्कत है कि दोनों यूनिट अलग अलग हैं, यहाँ पर केजी ग्राम में यूनिट है और ये केजी में है, तो हम दोनों यूनिट्स को सेम करेंगे। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम दोनों को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे फिर डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा, वेट ऑफ 1 मेडिसिन बॉक्स 4 kg 500 ग्राम, तो kg को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हमारा 4000 हो गया, और 500 पहले से ही ग्राम था तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे सिर्फ, तो 4500 ग्राम बन गया। ये एक बॉक्स का आपका वेट आया है। फिर टोटल कैपेसिटी ऑफ वैन ऑफ लोडिंग बॉक्सेस, वैन की टोटल कैपेसिटी हमें दे रखी थी 800 kg तक वो वेट लोड कर सकती है वैन, तो इसको भी हमने ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ग्राम आ गया। अब आप देखिए जो उसने पूछा था, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन, वैन के अंदर कितने बॉक्सेस आ सकते हैं, 177 बॉक्सेस आ सकते हैं। ये हमारा कैसे निकला देखिए, जो टोटल कैपेसिटी थी वैन की उसको डिवाइड कर दिया हमने एक बॉक्स के वेट से, तो हमने डिवाइड करा यहाँ पे देखिए, डिवाइड करने के बाद में स्टूडेंट्स आपको आंसर गेट हो जाएगा 177 बॉक्सेस। ये वैन के अंदर इतने बॉक्सेस को हम कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक बच्चे के एक स्टूडेंट के स्कूल से घर तक की दूरी दे रखी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, वो रोज़ स्टूडेंट जाती है स्कूल से, जाती है फिर स्कूल से घर वापस आती है, दो चक्कर होते हैं उसके, पहले वो घर से स्कूल जाती है फिर स्कूल से घर जाती है, तो ये डिस्टेंस डबल बार वो कवर करती है, ये हमें देखने से पता चल रहा है। अब
फिर उसके बाद उसने पूछा फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन सिक्स डेज, कि वो सिक्स डेज के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। पहले स्टूडेंट्स हम इसमें ये गेट करेंगे कि वो वन डे में कितनी स्टूडेंट कितनी डिस्टेंस कवर करती है, तो उसको सिक्स से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, सॉल्यूशन देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट इन वन डे, एक दिन में कितना करती है, 1 किलोमीटर 875 मीटर को पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से क्यों किया, एक बार वो स्कूल जाती है घर से, फिर स्कूल से घर वापस आती है, तो इसी डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया कि वो एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करती है। फिर 6 डेज़ की निकालने के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट इन 6 डेज, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हमने 1 डे की निकाली फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर, ये डिस्टेंस वो कवर करती है 6 दिनों के अंदर। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ज़रा देखिए इसको भी ध्यान से। अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, एक बर्तन के अंदर 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है, इन हाउ मैनी ग्लासेज ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। वो कह रहा है कि इसमें ग्लासेज हैं 25 ml, उनके अंदर दही आ सकता है, तो जो आपके पास टोटल दही था उसमें से आप कितने ग्लास भर सकते हो 25 ml वाले, तो इसमें अभी देखो यही दिक्कत है, लीटर मिलीलीटर, यहाँ पर आपकी यूनिट अलग अलग है लीटर मिलीलीटर और यहाँ पर फिर मिलीलीटर, इसलिए दोनों को मिलीलीटर में कन्वर्ट हम कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा वो डिवाइड करने में। तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखिए ज़रा। टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन वेसल 4 लीटर 500 मिलीलीटर, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हम पहले इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को, तो 4000 बन जाएगा, और 500 मिलीलीटर पहले से ही मिलीलीटर है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे सिर्फ ऐड करेंगे, तो प्लस 500, तो ये बन जाएगा 4500 मिलीलीटर। अब आगे देखिए, कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास, एक ग्लास में कितना कर्ड आता है, 25 मिलीलीटर दही उसके अंदर आता है। नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड फ्रॉम वेसल, उस बर्तन में से 25 ml के कितने ग्लासेस भरे जा सकते हैं, ये हमें निकालने के लिए इसको डिवाइड करना होगा, तो हम टोटल दही को अंदर रखेंगे और ग्लास की कैपेसिटी को बाहर, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आप डिवाइड करके देखना आंसर आएगा 180 ग्लासेस, तो इसका मतलब है कि 25 ml के उसमें से 180 ग्लासेस फिल हो सकते हैं। थैंक यू।